राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर अमर है। यह सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार है। आपने देश भर में कई हनुमान मंदिर के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजस्थान के अलवर शहर से 55 किलोमीटर दूर में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जो काफ़ी अद्भुत है। यहाँ मंदिर पांडुपोल नाम से जाना जाता है। यहाँ वन्य अभयारण्य और सरिस्का का खूबसूरत वातावरण देखने को मिलता है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर का इतिहास हनुमान मंदिर से जुड़ा है। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वन वन की खाक छान रहे थे, उस समय ये लोग घूमते घूमते अलवर के इस वन्य क्षेत्र में आ गए थे। बताया जाता है कि पांडवों के विचरण के दौरान एक स्थान ऐसा आया जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब महाबली भीम ने रास्ते में खड़ी विशाल काया चट्टान को अपनी गदा के प्रहार से चकनाचूर कर रास्ता बनाया था। इस घटना से प्रभावित होकर भीम के भाइयों और माता ने उनके बल की खूब प्रशंसा की। इस प्रशंसा से भीम में कुछ घमंड आ गया था। आगे चलकर पांडवों को रास्ते में एक विशाल काया बूढ़ा वानर लेटा हुआ मिला। भीम ने उस वानर को वहां से उठकर कहीं और विश्राम करने के लिए कहा। तब उस वानर ने कहा कि मैं बुढ़ापे के कारण हिल डुल नहीं सकता, तुम लोग रास्ते से आगे बढ़ जाओ। लेकिन अपने बल के मद में चूर भीम को वानर की यह बात अच्छी नहीं लगी और वे उस वानर को वहां से हटाकर दूर करने के लिए आगे आए। कहा जाता है कि शरीर तो दूर, भीम उस वानर की पूंछ तक को नहीं हिला सके। काफी प्रयासों के बावजूद जब वानर टस से मस नहीं हुआ, तो भीम ने लज्जित होकर उससे अपनी गर्व भरी बातों के लिए क्षमा याचना की। तब वह वानर अपने असली रूप में आया। वह वानर स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने प्रकट होकर भीम को महाबली होने का वरदान दिया व उन्हें कभी अभिमान न करने की सलाह भी दी। बाद में संत निर्भय दास महाराज ने यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। हनुमान जी की इस अवस्था की मूर्ति केवल इसी मंदिर में स्थापित है। प्रत्येक साल भादों के महीने में यहाँ विराट मेले का आयोजन किया जाता है। जिस स्थान पर भीम ने गदा मारी थी, वह स्थान और गदा के प्रहार से चकनाचूर चट्टान आज भी वहाँ मौजूद है। इस चट्टान से अविरल जल की धारा बहती है, जिसे देखने भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के आसपास कुदरती सौंदर्य, बहते झरने और खूबसूरत पहाड़ियाँ श्रद्धालु को खूब भाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।